हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज हम बात करेंगे 99 का जो खेल होता है वो होता क्या। आप लोग सारे सामान खरीदते हो 99 ऐसे ही होता है। इसके बारे में जानते हैं छोटा सा स्टोरी से। एक फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ थे, एक साहूकार के पास काम कर रहे थे। वो दोनों बहुत खुश होते थे। सुबह जाते थे, अपना ड्यूटी करते आते हैं और अपना मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीदना, खाना पीना और आराम से शाम को गाना सुनना, गाना गाना और सो जाना, फिर सुबह ड्यूटी में आ जाना। ये सारे चीज़ें नोटिस कर रहा था साहूकार का बहू। तो देखा वो परेशान था कि उनके पास इतना पैसा है, वो तब भी वो खुश नहीं है, ज़िंदगी सही से जी नहीं पा रहे, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहे। लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, दोनों फैमिली दो हस्बैंड वाइफ के पास, लेकिन वो ज़िंदगी अच्छे से जी रहे। तो ये सोच सोच के उसका जो साहूकार को वो उनके बहू ने पूछे कि पापा ये होता क्या, ये इतने खुश है, हम इतने दुखी क्यों हैं। तो ये सारे चीज़ें सुनने के बाद साहूकार ने बोले इनको 99 का जो खेल है अभी तक उनको वो आदत नहीं पड़ा हुआ। जिस दिन उनको 99 का ये आदत आ जाएगा तो उनका ये हैप्पीनेस कन्वर्ट हो जाएगा हमारा लाइफ जैसा। तो बहू ने समझ नहीं पाया कि पापा कैसा होगा। तो ने बोले कि साहूकार ने बोले कि काम करो, एक पोटली में 99 का सिक्का डाल के कल सुबह वहाँ ट्री के नीचे रख देना। बहू ने ऐसे किया। जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ काम में आए तो वो पटली जो था 99 सिक्का था उन्होंने उनको मिला। तो वो एक साथ जब खोल के देखे इतना सारा सिक्का है, कभी तो पहले देखे नहीं थे। तो वो सिक्का देख के वो छुपा के रख ली। सारे चीज़ें नोटिस कर रहे थे उनके बहू। उसी दिन और एक घंटा पहले ड्यूटी ख़त्म करके चले गए और जाने के बाद उनका जो डे लाइफ था, मार्केट जाना, सब्जी खरीदना, वो नहीं किए। वो क्या किए, घर में गए, रखने के लिए कोई प्लेस ही नहीं है तो 99 इतना सिक्का कहाँ रखेंगे। तो ज़मीन के गाड़ के उसको रख के पूरा आराम से रख दिए। और शाम को जैसे वो मस्ती करते थे वो नहीं कर पाए, क्या के लिए उनका दिमाग में ये चल रहा था कि हम उसको कैसे रखेंगे, हमारे पास सामान नहीं है, हम कल ड्यूटी जाएंगे तो चोरी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो नेगेटिव होता है उसमें चीज़ें वो पैसा को बचाने के लिए, तो वो जो डेली लाइफ था, जो हैप्पीनेस वाला लाइफ था वो भूल गए। तो फिर सुबह वो ड्यूटी आए, थोड़ा लेट करके आए, फिर ड्यूटी जब कर रहे थे जो पहले जैसा पूरा मन लगा के ड्यूटी कर रहे थे उस तरह नहीं कर पाए। और जब ड्यूटी से वो एक घंटा पहले चले गए, फिर जाके वो अपना वही 99 सिक्के को देखे, फिर वो 99 को 100 करने के लिए ट्राई किए, 100 से 101 करने के लिए ट्राई किए। ये सारे चीज़ें वो साहूकार का जो बहुत है वो नोटिस कर रहे थे। वो समझ गए कि पापा किस चीज़ का बता रहे थे कि 99 का खेल क्या होता। ये स्टोरी से हमें ये बता रहा है हमारे जो ये 99 का जो खेल में रेस में हम डेली भाग रहे हैं। पहले तो हम भागते नहीं हैं, जो भागने का चालू हो जाता है, आदत में डाल देते हैं, तो हमारा जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, हैप्पीनेस वाला लाइफ है, उसको हम भूल जाते हैं। क्यों 99 को 100, 100 को 100 और 101, 102, 199 ऐसे हम उसको कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करते हैं, जो अपना ज़िंदगी को भूल जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है ना, तबीयत खराब हो जाता है, फिर जो हम सेविंग करके रखते हैं फिर वो खर्चा हो जाता है, फिर से जीरो हो जाता है। पहले जब वो इसके पास 99 नहीं था, वो हैप्पीली रहता था, कोई टेंशन नहीं था, तो उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होता था, क्योंकि वो अंदर से हैप्पीनेस में और सेटिस्फेक्शन लाइफ जीता था। जो 99 का जो खेल आ गया उसमें वो टेंशन से बीमारी आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, जो बंदे सुसाइड करते हैं। आज का डेट में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बंदे सुसाइड करते हैं, सुसाइड ऐसे बंदे भी नहीं करते, सारे बड़े बड़े जनरेशन जो बोलते हैं बिजनेसमैन, आईपीएस, आईएएस, हम अच्छे खानदानी का और सक्सेसफुल बंदे सुसाइड करते हैं। तो ये सब वो 99 का जो खेल है उसी खेल में वो फंस जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो लाइफ है 30, 40, 50, 60 जो भी है उसको एंजॉय करो, ना कि ये 99 का जो खेल में आदत में खुद को डाल। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, नहीं लगा तो डिसलाइक। थैंक यू।